नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के धामपुर की, जहां स्नातक एमएससी चुनाव के लिए एक परिचयात्मक बैठक का आयोजन डॉक्टर आदित्य अग्रवाल द्वारा दमयंती देवी नर्सिंग होम पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त का डॉक्टर आदित्य अग्रवाल द्वारा बुके भेंट कर स्वागत किया गया। साथ ही जयपाल सिंह व्यस्त के गुरु अमरेश कुमार संगल शामली वालों का भी बुके देकर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि ने सभी को संबोधित करते हुए अधिक से अधिक स्नातक एमएससी वोट बनवाने का आह्वान किया तथा अभी तक वोट बनवाने के लिए किए गए प्रयासों की प्रशंसा की। माने जो मुझे संघ में लाए, आरएसएस में लाए और आरएसएस में फर्स्ट ईयर ओटीसी हापुड़ से कराया, हमारे तहसील प्रचारक के झांसा में रहने वाला बुलंदशहर जनपद खोर्धा तहसील का माने रजभैया के गांव से मिला हुआ गांव, वहां का मैं रहने वाला हूँ। हमारे माननीय अमरीश कुमार संगल हमारे तहसील प्रचारक, उन्होंने मुझे स्वयंसेवक बनाया, प्रेरित किया ओबीसी के लिए। हापुड़ मिशन शिक्षा वर्ग लगा प्रथम वर्ष वहां किया और प्रथम वर्ष करने के बाद ही मैं गांव में अपने वित्तविहीन जूनियर स्कूल में टीचर था। बोले टीचर यहाँ नहीं करेगा, शिशु मंदिर में चल हमारे साथ। आप जिला प्रचारक साकिबपुर होकर के आए थे, अपने साथ ही मुझे लेकर के आए। अनेक स्थानों पर आचार के रूप में काम करने के लिए लगवाने का प्रयास किया, कहाँ कहाँ नहीं दे रहे, लेकिन कहीं हिसाब बनाने संघ कार्यालय सहारनपुर पहुंचे। बिजनौर जनपद उस समय सहारनपुर विभाग में जुड़ा हुआ था, माननीय सूर्य कृष्ण जी विभाग प्रचार थे, आदरणीय अमरीश जी ने उनके साथ चर्चा की, तो आदरणीय अमरीश जी मेरे पास आए और दो पत्र दिए सूर्य कृष्ण जी के लिखे। एक पत्र दिया श्री राजेंद्र कुमार गोयल धामपुर वाले गोयल के पक्ष में उनके नाम, और दूसरा दिया धामपुर के तहसील प्रचारक थे श्री कृष्ण वर्मा, एक उनके लिए पत्र दिया और बड़ा मुझे कहा कि अब आपकी नियुक्ति आचार्य के रूप में नहीं सीधे प्रधानाचार्य के रूप में की जाती है। नया विद्यालय खुला है नूरपुर में, उसमें आपको प्रधानाचार्य बन करके जाना है। क्रिकेट में एक टर्म आती है ना कि हैट्रिक लग जाए, है बॉलर ने लगातार दो विकेट ले लिए, तीसरा विकेट और चाहिए, तब होगी हैट्रिक। अब हैट्रिक कैसे ले लेगी, उसका आधार देश को वोट है, आपके पास वोट होगा तभी तो कुछ करने की स्थिति में होगी। आज बैठक करने का समय नहीं था, इतना अवसर भी नहीं, लेकिन सब लोगों से मुलाकात करके डॉक्टर साहब ने बुलाया, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं आप सब से आग्रह करता हूं कि अब तक जितने वोट बन गए हैं वो तो जमा हो गए, आपके पास घर में रखे हैं, परिचितों के यहाँ रखे हैं, कल लाश देते हैं, एक बढ़ने की कोई संभावना नहीं, कल लाश देते हैं। अब बैठक के बाद, इस बैठक के निमित्त अगर मन से आप आए हैं तो जो मैं निवेदन कर रहा हूं उस निवेदन को आज करिए, जाकर के आज पड़ोस में एक फार्म हाथ लगे, दो लगे, तीन लगे, पांच लगे, दस लगे, ये मत सोचिए कि सौ हो जाएंगे तभी हम लेंगे। इस समय तो एक शब्द आता है ना, बटोर लो, अंत में इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो। इस समय आज का दिन है फॉर्म्स का एकत्रीकरण, फॉर्म आज जो रह गए हैं बहुत रह गए हैं, बहुत रह गए। आप धामपुर में कितने दिलजुट होंगे, यहाँ जो बाद में भी महानुभाव आए उनको प्रणाम करता हूँ।
और आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को मैं विश्राम देता हूँ। डॉक्टर आदित्य जी आपका, आदरणीय राकेश जी आपका, और विशेष रूप से मनोज जी आपका, और आदरणीय अमरीश जी के चरणों में प्रणाम करते हुए विशेष आभार उनको देता हूँ। अगर आदरणीय अमरीश जी का आदेश न होता तो आज का यहाँ का कार्यक्रम न बन गया है। तो उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आदित्य अग्रवाल, डॉक्टर मोनिका अग्रवाल के बने प्रयास से 350 स्नातक वोट के फार्म भी प्राप्त किए गए। अमरीश कुमार संगल ने डॉक्टर आदित्य अग्रवाल द्वारा संचालित दमयंती देवी प्रेरणा संस्थान द्वारा कराए गए निस्वार्थ सामाजिक कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा समाज के संभ्रांत लोगों से सहयोग करने की अपील की। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुबोध शर्मा, राकेश कुमार अग्रवाल, मलखान सिंह, संजय चौहान, मदन पाल, पवन चौहान, संकेत अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, दिनेश चंद्र अग्रवाल, नवीन, जसप्रीत सिंह, सुभाष चंद जैन, अवनीश गोयल, अजीत चावला, मनीष गर्ग, तरुण शर्मा, लवकुश चौहान आदि का योगदान रहा। कार्यक्रम का संचालन मनोज अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर आदित्य अग्रवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। आगे आज शाम तक जितने भी वोट बन सकते हैं वो हमें बनवाने हैं। आगे भाई साहब को बहुत अच्छे मार्जिन से फर्स्ट प्रेफरेंस में जिताना भी है, बस इसी सहयोग की सबसे अपेक्षा है। सब लोग यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अमरीश शंकर जी भाई साहब अंदर बैठे हैं, थोड़ा अस्वस्थ रहते हैं इस वजह से, बाकी उनका आशीर्वाद मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ है, भाई साहब का हमेशा हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।